लोक आस्था के महापर्व यानी कि छठ की। लोक आस्था का महापर्व छठ कभी लालू राबड़ी आवास में धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन लालू यादव इस समय रांची की जेल में सजा काट रहे हैं और इसी दौरान उनकी सेहत ठीक नहीं होने के चलते उनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। ऐसे में लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में छठ अपनी मनाएंगे। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ कभी लालू राबड़ी आवास में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता था। खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव छठ की तैयारी में लग जाते थे। नेताओं और कार्यकर्ताओं को घर पर बुलाकर प्रसाद खिलाते थे, लेकिन चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता होने के कारण इस बार भी लालू यादव का छठ रिम्स के पेइंग वार्ड में मनेगा। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव की दिवाली तो कैद में ही गुजरी, अब उनकी छठ भी कैद में ही गुजरेगी। लालू यादव की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन केस मेंशन नहीं होने की वजह से मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका, इसलिए अब सुनवाई 8 नवंबर को संभावित है। अब तो आज होने के बाद तो दीपावली या छठ का कोर्ट बंद हो जा रहा है और 3 नवम्बर को खुलेगा सोमवार के दिन। तो अगला नवंबर में 8 नवंबर फ्राइडे पड़ता है, ये शुक्रवार के ही 1:30 बजे सेकंड हाफ में केस सुनवाई होती है। तो अब संभव है कि अब 8 नवंबर को 2:15 बजे के बाद इसकी सुनवाई होगी। वहीं लालू यादव को दिवाली और छठ से पहले जमानत नहीं मिलने पर आरजेडी के नेताओं में भी मायूसी है, लेकिन उन्हें भगवान भास्कर पर आस्था है कि जल्द ही सामाजिक न्याय के नेता लालू को जमानत मिलेगी। बरहाल चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजा याफ्ता लालू यादव को जेल से बाहर निकलने का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट से ही उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव को हाईकोर्ट से कब राहत मिलती है। सौरभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।